लीडरशिप का यानी सोशल लीडरशिप का क्राइटेरिया क्या है, आपको मिसाल उसकी देता हूँ, हाँ वो थियोलॉजी में है, हाँ वो रिलीजन में। अब मैं आपको ये मिसाल देके ये बता रहा हूँ कि रिलीजन ने जो प्रायोरिटीज डिफाइन की हैं वो कुछ और हैं, और हमने खुद से अपने लिए जो प्रायोरिटीज डिफाइन कर ली हैं वो कुछ और हैं। तो जब क्रिश्चियन जेन्युइनली बाइबल मुकदस को पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा, खुद उसके अपने ही मानने वाले उसके रास्ते पे नहीं चल रहे, और जब मुसलमान पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कितने स्कॉलर्स जेन्युइन स्कॉलर्स हैं और कितने स्कॉलर्स वो हैं जिसके पीछे एजेंसियों की बैकअप है, जिनको एजेंसियों ने खड़ा किया हुआ कि आप हमें सोशल ट्रेंड चेंज करना है, तो आप ये बात करें तो अच्छा होगा। अब मैं आपको जो है लीडरशिप का क्राइटेरिया बाइबल मुकदस की रोशनी में, अब बड़ी दिलचस्प बात है, ये एक वन तिमोथी है, इसका तीसरा बाब है और इसकी एक से लेकर सात में आए थे। ये बात सच है कि जो शख्स निगेबान का ओहदा चाहता हो, जो शख्स लीडरशिप रोल मांग रहा हो, वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है, यानी अच्छी बात है कि आप लीडरशिप रोल एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, बस निगेबान को अब ये फर्स्ट प्रायोरिटीज क्या डिफाइन हो रही है, बेइल्जाम कैरेक्टर उसका अच्छा हो, एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शायस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए, ये उसकी सारी। अब हमारे कितने लीडर हैं, रिलीजियस हों या पॉलिटिकल हों, जिनमें ये सारी खूबियां पाई जाती हैं, ठीक है, एक जुमले की सारी क्यादत फारिग हो जाती है। नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो बल्कि हलीम हो, ना तकरार ना दरदोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने ही घर का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगीरी क्यों कर करेगा। नौ मुरीद ना हो ताकि तकबर करके कहीं इबलीस किसी सजा ना पाए, और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना चाहिए, बाहर वाले कौन, दूसरे मजहब वाले, ताकि मलामत में और इबलीस के फंदे में ना फंसे। ये प्रायोरिटीज डिफाइन की हैं बाइबल मुकद्दस ने एक अच्छे लीडर के लिए, और इस पर आप अपने लीडर्स को अप्लाई करके देख लें कितने इस पर पूरे उतरते हैं। एग्जैक्टली यही बात हजरत अली ने फरमाई है नहजुल बलागा में, वो कहते हैं कि जो लोगों का पेशवा बनता है इसे दूसरों को तालीम देने से पहले पहले अपने आप को तालीम देनी चाहिए, और जुबान से दर्द से अखलाक देने से पहले पहले अपनी सीरत और किरदार से तालीम देनी चाहिए, और जो अपने नफ्स की तालीम व तादीब कर ले वो दूसरों की तालीम व तादीब करने वाले से ज्यादा एहतराम का मुस्तहिक है। जिस शख्स का फोकस ये हो कि वो अपनी ज़ात को दुरुस्त करना चाह रहा है वो ज्यादा काबिल एहतराम है हजरत अली के नज़दीक बनस्बत उसके जो दूसरों की तरबियत करने पर मामूल है। तो जहाजे पर तो ये अब नहीं कर अभी बात है कि खुफिया हमले, पहली बात तो ये हमले करने वाले वो जिनको अपने मजहब के नहीं पड़ते, और दूसरी बात है कि जो हमारी सोशल लीडरशिप है वो सिर्फ सियासत में ही जरूरी नहीं कि करप्ट हो, वो रिलीजन में भी करप्ट है, और उसमें जरूरी नहीं वो इस्लाम में भी हो, वो हर मजहब में भी हो। तो हमारी प्रॉब्लम ये है इन नटशेल कि हम जहाँ से गाइडेंस लेनी है वहाँ से लेते नहीं, और हमने गाइडेंस के सोर्सेज अपने खुद से डिफाइन किए हैं, जहाँ से हमें पसंद होता हम वहाँ सुनते हैं। तो अपनी प्रायोरिटीज को, अपने फोकस को, अपने ट्रेंड को इवेल्युएट करने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों से रहनुमाई लेने के साथ साथ डायरेक्टली कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, और बाइबल मुकद्दस को भी जरा टेक्स्ट टू टेक्स्ट पढ़ने की तरबियत हमें होनी चाहिए। क्लियर हो गया?